मध्य प्रदेश के किसानों ने दिल्ली में हुंकार भरी है। आज दिल्ली में बड़ी रैली और धरना प्रदर्शन किया जाना है। इसके लिए कड़ाके की ठंड में किसान रामलला ग्राउंड पर जुटे हैं। प्रदेश भर से किसान प्रदर्शन में शामिल है। लाभकारी मूल्य समेत चार मांगों को लेकर यह हुंकार भरी गई है। दिल्ली बड़ी रैली में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, शाजापुर समेत प्रदेश भर में हजारों किसान पहुंचे हैं। वे पिछले दो महीनों से प्रदर्शन को लेकर तैयारियों में है। भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने बताया कि रैली के जरिए किसान अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। इनमें मुख्य मांगे हैं कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। फिलहाल किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य मिलता है और समर्थन मूल्य पर देश भर में केवल 15-18% ही अनाज खरीदा जा रहा है, जबकि 80% अनाज बाजार में ही रह जाता है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा किसान खेती के लिए जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाकी उपकरण खरीदते हैं, उस पर जो GST खत्म की जानी चाहिए।